अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, मोना आई हुई है पार्लर में रेडी होने के लिए। वलीमा है, आज वलीमे पे जाने लगे हैं हम, बस तैयारी मुकम्मल है। लुबना भी इधर चेयर पे बैठी हुई है, रेडी हो रही है, और दानी रेडी है। और मोना क्या कर रही हो? कांटे डाल रही हो, दिखाओ जरा। ये देखें जी, इयररिंग्स जी डाल रही है मोना, अपने से बड़े दिखाओ जरा, कौन से डाल रही हो, कौन से वाले में दिखाओ। ये देखें, ये रिंग्स हैं और ये डाल रही है, ये डाल के जाना है इसने। अभी जो है ना लुबना भी रेडी हो जाती है, सब लोग ये देखें आप यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। तो अभी जो है ना लुबना भी रेडी हो जाती है, तो फिर आप लोगों के साथ जो है ना वो अपनी लुक भी शेयर करता हूँ और लुबना की लुक भी जो है ना वो शेयर करता हूँ। ये देखें जी, इयर रिंग्स पहन ली है, गोलम टोलो पे वो उतर गया, फिर दूसरी तरफ पहना हुआ है, ये दूसरी तरफ पहना हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे इयर रिंग्स पहन ली है, और क्या पूछना है सब्सक्राइबर से, कैसी लग रही हैं आप? हाँ जी, ये लाजमी बताइए कि बड़ी मुश्किल से इसने पहने हैं, और बताइए कि लाजमी कि ये कैसी लग रही है। लो आपको बता दिए, वो लग रही है बहुत। लुबना खाला ने बता दिया बहुत। इसकी बिंदिया देखिए, माशाल्लाह से बिंदिया भी इसने लगाई हुई है आज, और ये ऐसे। लो लुबना खाला कह रही है मरासन लग रही है। क्या लग रही है आप खुद बताओ, आप क्या लग रही है? अच्छा, गोलू मोलू बेबी लग रही है। अच्छा जी, फाइनली लुबना भी रेडी हो गई हैं, और आज जो है ना वो जल्दी ही रेडी हो गई हैं। मोना की लुक तो आपने पहले ही देख ली थी, अभी लुबना की लुक भी जो है ना वो आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, मैं रेडी हो गई हूँ, और ड्रेसिंग भी आप मेरी देख सकते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोग। हाँ जी, आज पाँव पे भी जो है ना लुबना ने मेहंदी लगाई है। ऐसे मेरा दिल कर रहा था, और ऐसे मैंने स्पेशली शादी के लिए तो नहीं, बस बैठी हुई थी तो पकड़ी मेहंदी। हाथों की दिखाना मेहंदी, ये हैंड्स की मेहंदी है आप देखें, और फ्रंट पे है कि नहीं? नहीं। अच्छा, फ्रंट पे सिंपल है। मेरा नाम कहाँ पे लिखवाया है? नहीं लिखवाया, पाँव पे लिखवाया है, बल्कि वो तो पाँव छुपा ली है, फिंगर्स, सारे फिंगर्स पे, यू 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 सारे फिंगर्स पे। हम लोग जा रहे हैं हॉल में जी, हॉल में जाके आपको, हाल में जाके आपको जो है ना वो वहाँ का भी सारा दिखाते हैं कि अरेंजमेंट वहाँ हाल के, जैसे हमने बारात के दिखाए थे, बीमे के भी इंशाल्लाह सारे आपको अरेंजमेंट्स दिखाते हैं, और बाकी बच्चों की लुक जो है ना आपको फिर वहीं पे जाके दिखाते हैं। मेरी लुक जो है ना वो आप यहीं पे देख लें, मेरी लुक दिखा दें आप, मेरी लुक यहीं पर देख लेते हैं। अच्छा जी, मेरी लुक जो है ना वो आप देख सकते हैं, मैंने पहना है जी थ्री पीस, और मोना हर एक बंदे के सामने जो है ना वो आ जाती है। मेरी लुक तो देख लेते हैं। ये मोना का ड्रेस मैंने खुद स्टिच करवाया, बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है। और मानो का तीनों का सेम है, और दानी और मोइस का सेम है। और फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने लुबना ने जो है ना वो मैचिंग नहीं की इस शादी पे पूरी भी, वैसे जो है ना क्योंकि अपनी शायद ज्यादा वो करीबी नहीं थे, तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो तो ये ऐसे ही चल जाएगा। पहले वाला ड्रेस था, मेरा भी पहले वाला ही था। लुक जो है ना नहीं आ रही है जी, मेरा ड्रेस भी पहले वाला ही था, मैंने भी न्यू परचेज नहीं किया जी। बाकी आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, और कमेंट में बताना सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे खा के तो वैसे फ्री हो गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको जो है ना वो थोड़ा सा व्यू करवा ही दूँ। यहाँ पे हॉल में पहुँच के तो कोई क्लिप तो हम लोग ले नहीं पाए, तो हम लोगों ने सोचा कि जो है अब खाना वगैरह खा लिया है, तो अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें शातें कर लें, क्योंकि खाना फ़ौरन ही लग गया था जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं, तो इस वजह से मौका ही नहीं मिल पाया आप लोगों से बात करने का। तो हम लोगों ने सोचा कि आपस में भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लें, क्योंकि सुबह के बिछड़े हुए थे हम लोग। ये लैदा बैठ के खाना खा रहे थे, मैं लैदा बैठ के खा रही थी। तो अभी आपको सारे हॉल का विज़िट करवाते हैं हम लोग। अच्छा जी, हॉल के अंदर तो सॉन्ग्स वगैरह चल रहे हैं, तो बच्चों को मैंने सोचा बाहर ही जो है ना वो दिखा देते हैं। तो हम ड्रेसिंग आप देख सकते हैं, मोना और मानो दोनों की सेम है, और मोइज और दानी इन दोनों की सेम है। मोना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। कितना एंजॉय कर रही हो यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। कितना कुछ ज़्यादा? बहुत। अच्छा, कांटे कहाँ पे आपके, वो जो आपने वो इयर रिंग्स डाले थे वो कहाँ पे गए? वो मैं घर पे छोड़ा। और दानी आपको आ रहा है मज़ा? दानी तो तब से जो है ना वो इधर उधर भागे जा रहा है, बस दानी को और कोई काम नहीं है अंदर, सारे जो है ना वो अब बस एंडिंग टच है यहाँ पे, अंदर सारे लोग जो है ना वो बस उठ गए हुए हैं, दुल्हन को मिल रहे हैं, दूल्हे को मिल रहे हैं, तो फिर बस थोड़ी देर तक निकलना है हमने। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ जो है ना आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे हमारे ब्लॉग को, तो
साथ साथ जो है ना बाकी मजीद वीडियोज भी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना क्लिप्स बन सके यहाँ पे हमने इतने जो है ना क्लिप्स यहाँ पे बनाए हैं। बाकी क्लिप्स जो है ना वो हमने अभी दूल्हे के घर जाना है तो वहाँ पे जाके भी कुछ शेयर करेंगे, कुछ बाकी घर जाके शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर सॉन्ग चल रहे थे उस पर पता है हमको अपडेट क्लेम आ जाता है, इसलिए जो है ना ज़्यादा क्लिप हमने यहाँ पे बनाए नहीं है। तो मोना अब दिल कर रहा है घर जाने को या इधर ही रहना है? चले फिर दुल्हन को साथ ही लेके जाना ना, है ना, साथ लेके जाना ना दुल्हन को, आज किधर ही छोड़ जाए? नहीं, दुल्हन को साथ। चलो फिर पकड़ो दुल्हन को, चले चलो चलो आ जाओ, तो जाना तो है ना। अभी तो अभी हम क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हो अभी? ऑन जो है नहीं होता, एंजॉय होता है। चलो फिर आ जाओ। ब्राइडल जो है ना वो यहाँ से चली गई है, ग्राउंड भी चला गया है, लेकिन वो अपने घर गए हैं। क्या हो गया वो? मैंने इसके कंधे पे हाथ रखा है, चुछ चुछ करने लगी। तो अभी जो है ना हमें थोड़ा सा मौका मिला था वीडियो बनाने का, तो अभी क्योंकि तब से यहाँ पे सॉन्ग वगैरह चल रहे थे तब से हम वेट कर रहे थे कि सारे बाहर निकले और हम बनाए। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब नए लोग आते हैं थोड़ी सी जो है ना वो हेजिटेशन फील होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता था जो मेहमान थे कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, इसलिए फिर बंदा अच्छा नहीं लगता किसी के सामने जो है ना। वैसे हम किसी को लाना चाहते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो हम लोग नहीं चाहते, तो इस वजह हमारी फैमिली भी जो है ना इसमें आधी आई है, आधे जो है ना लोग बाहर गाड़ी में बैठ के हमारा वेट कर रहे हैं। हम जल्दी से उनको वेट नहीं करवाते तो चलते हैं। और आप लोग जो है ना बस ये बताइएगा कि हमारी जो है ना ड्रेसिंग कैसी लग रही है, हमारी गोलोम टोलो बेबी जो है ना वो कैसी लग रही है, और हमारी जो है ना वो बड़ी बेटी जो है ना वो कैसी लग रही है, उसका सब ज़्यादा बताइएगा। ये कहती मेरे फैन बहुत कम है, तो अब मेरे ख्याल में ना उनके घर हमने जाना है, वहाँ से दुल्हन को लेके और दूल्हे को लेके अपने साथ अपने घर भी जाना है। तो फिर बाकी के लोग जो है ना आपका आपके साथ हम घर जाके शेयर करते हैं, यहाँ तक जो है ना वो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, हमारे साथ ही रहना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं ब्राइडल के रूम में, और यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है ना मैं थोड़ा सा क्लिप ले लूँ, लेकिन यहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ज़रा ना चोरी चोरी बना रहा हूँ वीडियो मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो किसी को पता नहीं है हमारा चैनल है। तो मैंने सोचा आपको जो है ना गिफ्ट्स वगैरह दिखा दूँ। ये पीछे सारे जो है ना वो गिफ्ट्स हैं जो कि दूल्हे को मिले थे, इन्होंने ओपन वगैरह कर लिए हुए सारे गिफ्ट्स, तो वो देख सकते हैं आप। ये बैग जो है ये भी गिफ्ट्स का हिस्सा था, और ये जो ये है स्टैंड ये भी जो है ना गिफ्ट का हिस्सा ही था। ये उनका जो है ना बेड है, बेड भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड के जो है ना वो ऊपर में बैठा हुआ हूँ, पीछे जो है ना वो फ्लावर वगैरह लगाए थे, लेकिन फ्लावर जो है ना वो अब हो गए हुए हैं, मुरझा गए हुए हैं, क्योंकि ये जो सही वाले फूल होते हैं वो थे ये, तो ये मुरझा गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो सब लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं कि मैं क्या कर, इसलिए फिर बाकी के लोग जो है ना आप लोगों के साथ मैं घर जा कर शेयर करता हूँ। अच्छा जी, हम लोग पहुँच गए हैं घर, चेंज कर लिए। जी बिल्कुल, लुबना ने तो ड्रेस जो है ना वो कंप्लीट चेंज कर लिया, मैंने जो है ना वो ऊपर से वो कोट और वो वेस्टकोट उतार दी, क्योंकि बड़ी जो है ना वो तंग कर रही थी मुझे उसमें, क्योंकि ये मेरे तकरीबन दो साल हो गए ना, हाँ तकरीबन दो साल हो गए ये बनवाई हुई है, और थोड़ा सा जो है ना पेट मोटा हो गया मेरा। और ये कपड़े इस तरह के होते हैं, इन पे पैसे इतने ज़्यादा लग जाते हैं और पहने नहीं जाते, तो इन्होंने पहनना भी मेरे ख्याल में दो दफा ही है, तो मैं क्योंकि ये आम रूटीन में तो नहीं पहना जाता, ये तो पहने जाते हैं, लेकिन अब इनके बैली की वजह से ना वो थोड़ा सा टाइट हो गया। अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, डेली वॉक करने जाया करेंगे, तो इंशाल्लाह इनका बैली नॉर्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो फिर वो अपने लेवल पे आ जाएंगे। वैसे ना वहाँ पे जाके ना हमने ना बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है, बन नहीं रही थी, तो क्योंकि आपको पता है जब गैदरिंग हो किसी को पता भी ना हो चैनल है, फिर बंदा ना थोड़ा, लेकिन हम लोगों ने प्रॉमिस किया था। और ये भी बड़ा बड़ा मुश्किल होता है यूट्यूबर्स के लिए, जहाँ पे जो बंदा वीडियो में ना आता हो, क्योंकि वो फिर चलता फिरता उसको बंदा बैठा भी नहीं सकता एक जगह पे, उसको लाना भी नहीं है, तो बड़ा ये टफ काम होता है कि किसी को शो किए बगैर वीडियो। लेकिन यूट्यूबर्स की भी कोई जिंदगी नहीं होती है, उसने जहाँ जाना है उसने अपना काम करना है, क्योंकि ये भी एक किस्म की जॉब है, जाहिर सी बात है आपकी कमाई का जरिया है, तो वो तो आपको करना ही पड़ता है। तो बाकी ये है कि जो कपड़े होते हैं ना शादी वाले या मेकअप वगैरह होता है, इतना मतलब उसमें अपने आप को बंदा हैवी फील करता है ना, कि दिल करता है कि फटाफट से फंक्शन खत्म हो और बंदा नॉर्मल हुलिये में आ जाए।
और मैंने आता ही पहला फौरन काम यही किया है कि अपनी मेकअप शेकअप सारा कुछ उतार के तो मैंने चेंज किया जी बिल्कुल। और इतनी जो है टफ रूटीन में भी हमने अपना वादा जो है वो पूरा किया है, छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो बनाया है लाजमी, चाहे वो हाल में गए हैं चाहे वो ब्राइडल के घर गए हैं, तो सारे जो है ना क्लिप बनाए हैं ब्राइडल के घर। आपने देखा कितनी मुश्किल से जो है ना वहाँ पे मैंने क्लिप बनाया वाइस ओवर मैंने वहाँ पे, और हम लोग हंस रहे थे, हम कह रहे थे देखो इन्होंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया आगे, कि उनकी नजरें थोड़ा इधर उधर गई हैं और इन्होंने वीडियो क्लिप क्योंकि आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था तो वो भी हम लोगों ने पूरा करना था। अब हम सोच रहे हैं कि सारे मेहमान जब चले जाएंगे हम अकेले रह जाएंगे, हमारा दिल भी नहीं लगेगा क्योंकि हो सकता है कि मोना लोग भी अपने घर चले जाएं तो फिर कभी कभी आया करेंगे वो, तो फिर इस वजह से जरा मुश्किल। और आज मेरी बर्थडे भी है। हाँ जी आज उमर की बर्थडे भी है और सेलिब्रेट नहीं करनी हम लोगों ने क्योंकि माइंड नहीं है कोई भी, थकावट बहुत ज्यादा हो। तो वैसे मैं हर दफा ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी, लेकिन फिर भी जो है ना वो लुबना कर देती है, लेकिन इस दफा पक्का माइंड है कि जो है ना बर्थडे सेलिब्रेट हमने नहीं करनी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को हमारी बहुत पसंद आई होगी, इस वीडियो के बाद आपने हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना मोहब्बत देनी है, और जो लोग सब्सक्राइब किए बगैर हमारा चैनल देख रहे हैं रह गए हैं आटे में नमक के बराबर सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, वो फटाफट से कंप्लीट कर दें ताकि 50K कंप्लीट हो और मेरा सरप्राइज भी रिवील हो। मुझे तो सस्पेंस ही पड़ा हुआ है कि उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट करना है ताकि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जी बिल्कुल, जो लोग जो है ना हमारी वीडियो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो आज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जी, आपकी सपोर्ट से अगर हमारा फायदा होता है तो आपको बहुत बड़ी नेकी मिलेगी जी इंशाल्लाह। बहुत मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।